गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं सब्जी के लिए जो है टमाटर मिर्च पीसने जा रही हूँ। टमाटर है, मिर्च है, लहसुन है, मतलब इन सब का पेस्ट बनाऊँगी, क्योंकि एक अलग सब्जी मैंने बना ली थी आलू और टमाटर की, उसमें लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया था, तो भगवान जी के भोग के लिए मैंने बना लिया था। और अब ये जो बनाऊंगी ये थोड़ी सी रसेदार बनाऊंगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आलू टमाटर की सब्जी और फिर चावल ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिलहाल गाइज ये तो रही हमारे आलू टमाटर की सब्जी की बात, तो उसी के लिए मुझे ये पेस्ट बनाना है। और ये हमारा पेस्ट बन गया है और यहाँ पर उबले हुए हैं आलू, जिनको मैं छील लूँगी। और छीलने के बाद फिर इनकी जो है मैं आलू टमाटर की रसेदार सब्जी बनाऊंगी। और आज क्या हुआ था, आज मेरा माइंड जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और यहाँ पर मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ और मेरा चेहरा देख रहे हैं कैसी भूतनी जैसी मैं दिख रही हूँ। एक तो मैं लेट आज सो कर उठी हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि 8:15 बजे का बाबू का स्कूल हो गया है। मैं यही सोच रही थी कि जैसे जा रहे थे 9:30 बजे 9:45 बजे, तो उसी तरह से मैं सोच रही थी कि वही टाइम है, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ भी बात याद नहीं रही, क्योंकि एक दिन पहले लक्ष्य के पिताजी से झगड़ा हो गया था। और जब झगड़ा हो जाता है ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता हो, मतलब ऐसा होता है कि अगर आप कुछ कह रहे हो तो चलो ठीक है, अगर कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना तब माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही कंडीशन मेरी भी है, इस समय दिमाग मेरा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो इसी वजह से आज मैं नहा भी नहीं पाई, क्योंकि लेट सो कर उठी। फिर मुझे लगा कि मैं कि जाना तो है ही है, 9:30 बजे तक तो आराम से खाना पीना बन जाएगा, है ना। तो मेरे साथ कुछ ऐसे ही होता है कि अगर मैं डिस्टर्ब हो जाती तो फिर मेरा कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। तो फिलहाल वहाँ पर मेरी आलू टमाटर की सब्जी बन चुकी है और रोटी सेक दी थी, तो बेटे को तो सब्जी पराठा दिया था और पिताजी को सब्जी रोटी दी थी। और यहाँ पर ये चावल रखा हुआ था, तो मैंने कहा कि इसको थोड़ा सा मैं इस चलने से झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो निकल जाएंगे और जो बड़े बड़े होंगे वो ऊपर रह जाएंगे। तो मैं अधिकतर यही करती हूँ कि चावल को ऐसे ही झाड़ लेती हूँ और फिर उसके बाद डिब्बे में भर कर रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी क्या है कि मैं इमली भी देखती जा रही हूँ और साथ में हमारा काम भी होता जा रहा है। नहीं तो वैसे अगर मैं छोड़ देती तो फिर आराम से फ्री होकर करूँगी तो मैं भूल जाती, और अभी क्या है अभी मैं बैठी ही हूँ, तो बैठने का मतलब कि दोनों काम हो जाएगा, मेरे टीवी भी देखना हो जाएगा और चावल भी साफ हो जाएंगे। होता है ना कि हम लेडीज़ें कुछ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपना दिमाग लगा ही लेती हैं, है ना, घर का काम काज हो या कहीं हो कुछ भी हो, तो हम लेडीज़ें होती ही ऐसी हैं। तो चलिए ये तो रही, अब चावल साफ हो जाएगा और फिर इसके बाद मुझे जाना छत पर, क्योंकि छत भी मुझे साफ करनी है, क्योंकि पड़ोस में बन रहा है मकान, तो वहाँ की सीमेंट वगैरह भी आकर गिर रही है छत पर, पहले तो मुझे पता नहीं था। तो एक दिन पहले जब मैं छत पर गई थी तब मैंने देखा था कि वहाँ छत पर जो है सीमेंट वगैरह पड़ी हुई है, सीमेंट क्या मोरंग वगैरह पड़ी हुई है। वैसे भी जब मेरे पैरों में खिसकन सी होती है ना तो बहुत अजीब सा मुझे लगता है, यानी कि फिर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं चावल साफ करने के बाद अब चली जाऊँगी छत पर, तो यहाँ पर भी मुझे साफ करना। और एक दिन पहले हाँ मेरे यहाँ दो एक बिल्ली है और बिल्ली का बच्चा है, तो जाने कहाँ से आ गया है, तो उसने क्या किया था कि पॉलीथीन जो है जैसे कि जो जाल पर पड़ी हुई है ना तो उस पर बैठ बैठ कर उन लोगों ने फाड़ दिया था, है ना। तो फिर एक दिन पहले ही शाम को मैंने वो पॉलीथीन चेंज करी थी, क्योंकि मेरे यहाँ बादल वगैरह बहुत तेज़ी से गरज रहे थे, मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए, तो ये बारिश हो जाए और फिर यहाँ आंगन से पानी आए तो आंगन में मशीन वगैरह रखी है तो भीग जाए, तो इस वजह से मुझे फिर पॉलीथीन भी चेंज करनी पड़ी और उसके कूड़े वगैरह जो थे और भी फैल गए थे, तो इसीलिए मुझे झाड़ू लगाना कुछ ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने झाड़ू लगाया था, है ना, एक तो सीमेंट हो गया, दूसरा पॉलीथीन फटी थी, तो उसकी वजह से मुझे और झाड़ू लगाना ज़रूरी हो गया था। तो चलिए यहाँ पर
मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ क्योंकि कपड़े वगैरह भी धोकर डालने हैं, नहीं तो गिरेंगे तो फिर गंदे हो जाएंगे। और हवा जो है हमारे यहाँ बहुत तेज़ी में चल रही है, हद से ज़्यादा चल रही है, और ठंडक भी मतलब है, जिस हिसाब से कम होनी चाहिए उस हिसाब से ज़्यादा है। तो चलिए मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ। और हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ठंडक कैसी पड़ रही है, ठंडक है कि नहीं है। हमारे यहाँ तो यूपी में बहुत भाई ठंडक हो रही है, हवाएं चल रही हैं तो हवाओं से बहुत ही ज़्यादा ठंडक हो रही है। लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे सेम के पेड़ में ये सेम लगी हुई है ना, ये लगी हुई है और इसके ऊपर भी है, और काफ़ी ऊपर जो रस्सी बंधी हुई है उसमें भी सेम लगी हुई है। तो मैंने थोड़ी सी सेम ये तोड़ ली है, जो ऊपर रस्सी में बंधी उसको नहीं तोड़ पाई हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ, भी नहीं भी हूँ, दोनों बातें हैं। क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिमाग डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और डिस्टर्ब ये है कि कल कल जो है मतलब मेरे और मेरे पति देव से यानी लच्छी के पापा से लड़ाई हो गई। और लड़ाई जब हो जाती है ना, मुझे क्या याद आता है कि अगर मुझे कोई कोई बात भी बोल देता है तो मुझे ये लगता है कि मतलब कि मेरे अंदर सहन सहन ही नहीं होता है ना। अगर कोई भी मुझे कुछ गलत बात बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता और मुझे सहन भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ मेरे अंदर ये खराबी बहुत ज़्यादा है कि मेरा कहने का मतलब है, अगर मैंने गलत किया है तो गलत बोलो, अगर नहीं किया है तो मत बोलो मेरे को। और ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलना भी मुझे नापसंद है। तो बस इसी खटापट में कल से मेरा दिमाग जो है एकदम काम नहीं कर रहा है, एकदम दिमाग मेरा जो है खराब खराब सा है। और इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट कर पा रही हूँ, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ। होता है ना कि अगर आपका थोड़ा सा दिमाग डिस्टर्ब हो तो आप किसी से बातचीत कर लो तो आपके अंदर की जो बातें हैं मतलब जो भी बोझ होता है बोझ टाइप में वो निकल जाता है। लेकिन मेरे पास तो कोई भी ऐसा नहीं है कि जिससे मैं कुछ शेयर कर सकूं या कुछ कह सकूं या कुछ बता सकूं, मेरे पास तो ऐसा कोई भी नहीं है। और एक साहब हैं, अगर उनसे कुछ कहो तो वो उल्टा मेरे से ही लड़ने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी बात हो अगर बोलो तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे मैं गलत हूँ, हर चीज़ में मैं गलत हूँ। मुझे खुद भी नहीं समझ में आता कि मैं गलत कहाँ हूँ यार, है ना। इसीलिए आज मैं देर से भी सोकर उठी, और मुझे ये भी नहीं पता था कि बाबू का आज आज से जल्दी स्कूल हो गया। तो यानी कि पहले था 9:30 बजे जाते थे, अब जो है 8:15 बजे जाने लगे। तो जब मुझे बाद में पता चला तो फिर फटाफट से मैंने उनका लंच वगैरह तैयार किया, फिर उनके पिताजी का तैयार किया, तो फिर बाद में मेरा नहाना धोना हुआ। और नहा धोकर मैं आकर बैठी थी तो एक मन हो रहा था कि मैं कुछ कहूँ कि ना कहूँ, कुछ बोलूँ कि ना बोलूँ। पता नहीं क्यों दिमाग की उलझन बहुत ज़्यादा हो जाता है मुझे, यानी कि जब तक लिमिट होती है तब तक तो बर्दाश्त हो जाता है, और जब लिमिट से ओवर हो जाता है
तो फिर बर्दाश्त नहीं होता है ना। और बाबू तो आएंगे अभी 2:30 बजे, और अभी मुझे रोटियां सेकनी है, चावल रखा है वो फ्राई करना है, बस उतना ही करना है। और मॉर्निंग में मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी रसेदार बनाई थी। तो खैर छोड़िए, ये तो पति पत्नी की लड़ाई झगड़े की बात है, लेकिन कभी कभी कुछ दिमाग ही डिस्टर्ब हो जाता है ना, तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोगों से यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों की हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि हर तरह की वीडियो मैं बनाती रहती हूँ। और पसंद आए तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।